मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण भले ही कम हो गया हो, लेकिन एहतियात के बतौर परिवहन विभाग ने यह फैसला लिया है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच फिलहाल बसों का आवागमन नहीं होगा और इसीलिए परिवहन विभाग ने 30 जून तक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच बस सेवा को स्थगित कर दिया है। इसके साथ ही जबलपुर में बस ऑपरेटर्स वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसा फैसला कर रहे हैं जिससे आने वाले समय में यात्रियों को बस यात्रा करना मुश्किलों भरा हो सकता है। जबलपुर बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने यह फैसला किया है कि अब केवल उन्हीं यात्रियों को बस का टिकट दिया जाएगा जिन्हें वैक्सीन लग चुकी हो। जबलपुर में बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल में वैक्सीनेशन भी कराया, जहां बस टर्मिनल में आने वाले यात्रियों को वैक्सीन लगवाई गई। बस ऑपरेटर्स का कहना है कि वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने और लोगों को जागरूक करने के लिए बस ऑपरेटर्स ने यह फैसला किया है कि अब यात्रा करने से पहले यात्रियों से ये जानकारी ली जाएगी कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई है कि नहीं, और अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है तो यात्रा का टिकट नहीं दिया जाएगा। बस ऑपरेटर्स का कहना है कि फिलहाल वैक्सीन की कमी है, इसीलिए रोजाना बस स्टेशन टर्मिनल में वैक्सीनेशन नहीं कराया जा रहा है, लेकिन जैसे ही जिला पूर्ण वैक्सीनेशन की ओर बढ़ेगा बस ऑपरेटर सख्ती से ये नियम लागू कर देंगे कि बिना वैक्सीन लगवाए किसी भी यात्री को बस का टिकट नहीं दिया जाएगा। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में हम बस ऑपरेटरों से भी मीटिंग RTO द्वारा कराई गई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि हम 21 तारीख जो वैक्सीन अभियान चल रहा है उसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग करेंगे और जो भी यात्री आएंगे उनको बिना टिकट जब तक नहीं देंगे तब तक उनको वैक्सीन नहीं लगी होगी। हम लोगों ने प्रयास भी किया, 21 तारीख को 130 लोगों की वैक्सीन लगाई गई और यात्रियों से निवेदन किया जा रहा है कि आप वैक्सीन लगवाएँ, तो वैक्सीन ना होने पर टिकट नहीं देंगे ऐसा उनको बोला है, परंतु 22 तारीख आज 23 तारीख हो गई, यहाँ पर वैक्सीन की व्यवस्था नहीं है, इसलिए यात्रियों को अभी समझाइश दी जा रही है, उनसे निवेदन किया जा रहा है कि आप वैक्सीन लगवा लें नहीं तो आपको आने वाले समय में टिकट नहीं दी जाएगी, ऐसा उनको बताया गया है। ज़रूर स्टैंड के अंदर वैक्सीन सेंटर होना चाहिए क्योंकि जिले के आसपास के लोग जहां पे आते हैं, प्रदेश के लोग आते हैं, जहां सुविधा होना चाहिए। जबलपुर से रोहित नैयर की रिपोर्ट।